सोलर पीजी कॉलेज में एबीवीपी बेहद उग्र रूप में नजर आई। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानाचार्य का घेराव भी किया। सूत्रों की माने तो एबीवीपी ने कॉलेज के भीतर बैठक के लिए प्रधानाचार्य से अनुमति मांगी थी, जो प्रधानाचार्य ने नहीं दी। इस बात को लेकर एबीवीपी पदाधिकारियों ने कॉलेज में बवाल मचा दिया और जमकर नारेबाजी भी की। सोलन पीजी कॉलेज में एबीवीपी बेहद उग्र रूप में नजर आई। एबीवीपी पदाधिकारी ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानाचार्य का घेराव भी किया। सूत्रों की माने तो एबीवीपी ने कॉलेज के भीतर बैठक के लिए प्रधानाचार्य से अनुमति मांगी थी, जो प्रधानाचार्य ने नहीं दी। बस फिर क्या था, इस बात को लेकर एबीवीपी पदाधिकारियों ने कॉलेज में बवाल मचा दिया और जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के सोलन महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष शुभम राठौर ने कहा कि वे सुबह से शाम तक विद्यार्थियों की एडमिशन के लिए कार्य कर रहे हैं और छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में बैठक करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन से अनुमति मांगी गई, लेकिन उन्हें प्रधानाचार्य ने अनुमति देने से मना कर दिया, जिसके चलते सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य का घेराव किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन के नकारात्मक रवैये को लेकर एबीवीपी ने कल गेट बंद का ऐलान किया है, जिसके तहत किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज के भीतर जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। ये 9 जुलाई 1949 एबीवीपी पूरे देश के अंदर काम कर रही है। जब आज एबीवीपी के लोगों को इस कॉलेज के अंदर परमिशन नहीं मिलेगी, तो विद्यार्थी परिषद के लोगों ने प्रधानाचार्य का घेराव किया। यहाँ अंदर ओपी चौहान जो ऑफिसर प्रिंसिपल थे, उनके पास मैं खुद एप्लीकेशन लेके गया कि हमारे को हमने कॉलेज के अंदर मीटिंग करनी है 1 घंटे की, हमारे को रूम नंबर की परमिशन दो। तो एबीवीपी के लोगों को रूम नंबर 8 में परमिशन नहीं दी गई। एबीवीपी के लोगों को इस कॉलेज के अंदर दबाया जा रहा है, ठीक है। इस कॉलेज के अंदर कई राजनीति दल के जो लोग हैं वो बच्चों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। एबीवीपी के लोगों को आज इस कॉलेज के अंदर परमिशन नहीं दी गई, तो विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आज ऑफिसर प्रिंसिपल का घेराव किया और बताया गया कि अगर विद्यार्थी परिषद को आने वाले टाइम में अगर परमिशन नहीं दी गई इस कैंपस के अंदर, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। और जो हमारा आने वाला कार्यक्रम अभी रहेगा, तो हम कल सोलन कॉलेज बंद करने वाले हैं। इस जो सोलन कॉलेज है, जो यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों की DMC से लेकर बच्चों की एडमिशन से लेकर बच्चों की DMC तक के लिए हम यहाँ कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, पर हमारे को परमिशन नहीं दी जाती। कॉलेज के अंदर हर जो बच्चों को समस्या आती है, बच्चे आते हैं विद्यार्थी परिषद के लोगों के पास, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के लोग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चों के लिए यहाँ पे काम करते हैं। और जब हमारी परमिशन की बात आती है, हमारी मीटिंग की बात आती है, तो हमारे को परमिशन नहीं दी जाती। इसके लिए विद्यार्थी परिषद के लोग कॉलेज प्रशासन से और डिसिप्लिन कमेटी से बिल्कुल खुश नहीं है। और हम लोग कल ये सोलन कॉलेज का गेट है वो बंद करने वाले हैं कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। भक्तों, चले एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।